नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? होपफुली बहुत बढ़िया होंगे। क्या हाल चाल आपके? तो दोस्तों, बहुत टाइम बाद जैसे आप लोग के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आने वाला हूँ मैं। इन्फॉर्मेटिव मतलब मैं ऐसे डेली ब्लॉग्स बनाता हूँ और रूटीन अपना दिखाता हूँ, सब कुछ दिखाता हूँ, लेकिन आज मैं आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊँगा। ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो मतलब जो आपके काम आने वाली वीडियो है। तो दोस्तों, ऐसे आपको पता है कि मेरा काम कोरियर सर्विस का है। कोरियर सर्विस को अब मैं सिंपली बताऊँ, कोरियर सर्विस मतलब कि आप कोई सामान अपना बुक करोगे, कैसे बुक करोगे, कहाँ से भेजोगे, कैसे भेजोगे, कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, ये सब इन्फॉर्मेशन मैं आपको आज बताने वाला हूँ। कैसे आपको कोरियर अपना सिंपल एक सामान किसी दूसरे के पास कैसे पहुँचाना, मैं आज आपको ये वीडियो बनाने वाला हूँ दोस्तों। तो वीडियो पूरा बने रहेगा दोस्तों, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, लाइक जरूर कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आई। तो दोस्तों, जैसे कि मैं बताऊँ, कोरियर कई तरीके के होते हैं। एक होता है इंडिया के इंडिया में आपको भेजना है, एक होता है इंडिया के बाहर आपको भेजना है। इंडिया के इंडिया मतलब कि अगर आप बैठे हैं मऊ कहीं भी एक्स वजह, आप अगर आप बैठे हैं नोएडा और आपको सामान भेजना है बैंगलोर, तो वो होता है डोमेस्टिक कोरियर, मतलब इंडिया टू इंडिया होता है। अगर आप बैठे हैं नोएडा, आपको सामान भेजना है यूएसए, तो उसको हम क्या कहेंगे? इंटरनेशनल कोरियर। तो डोमेस्टिक के कई तरीके, डोमेस्टिक आप कई तरीके से भेज सकते हैं, इंटरनेशनल आप कई तरीके से भेज सकते हैं। डोमेस्टिक अगर आपको भेजना हो तो आपको मैं तीन कोरियर सर्विस बताऊँ जो आपको सबसे बेस्ट कोरियर सर्विस है। डीटीडीसी, ब्लू डार्ट, टैप ऑन कोरियर, सी मार्किंग कोरियर, ये सब आपके डोमेस्टिक कोरियर्स हैं। ब्लू डार्ट थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ेगा आपको, लेकिन सबसे प्रीमियम क्वालिटी का ब्लू डार्ट कोरियर सर्विस है। उसमें आपको कस्टमर कंप्लेंट बहुत कम आती है, लेकिन आपको फीडबैक, कस्टमर सपोर्ट कम मिलेगा आपको, लेकिन जल्दी वो सर्विस डिले नहीं होते, टाइम पर डिलीवर कर देता है। दूसरी कोरियर सर्विस है डीटीडीसी। डीटीडीसी थोड़ा कम कॉस्टली है, मतलब कॉस्टली है लेकिन ब्लू डार्ट से कम कॉस्टली है, लेकिन ये भी आपको टाइम डिलीवरी कर देता है। और ट्रैकऑन सर्विस और स्ट्रीम आर्टी सर्विस भी एक तरीके से, वो भी आपको ये थोड़ा कॉस्टली बहुत कम, मतलब ये नॉर्मल फ्रेट में आपके आसानी से आप पैसे देकर डिलीवरी करा सकते हैं। ये हो गया अपना लोकल डोमेस्टिक में दोस्तों। और अगर बहुत लोग कहते हैं कि हमको गांव में भेजना है कोरियर, देखिए सर, कोरियर सर्विसेज जो होती है वो केवल सिटीज़ में डिलीवरी करती हैं, सिटीज़ में, टाउन्स में डिलीवरी। अब ये चाहो आप कि आपको नोएडा से भेजो, आप दिल्ली से भेजो, किसी गाँव में, गाँव में नहीं, गाँव में कौन सा कोरियर जाएगा? स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट हम कहते हैं भारतीय डाक सेवा। भारतीय डाक सेवा से आप भेजोगे तो आपको गांव गांव में कोरियर चला जाएगा। लेकिन स्पीड पोस्ट से भेजने में एक बात होती है, स्पीड पोस्ट में अगर आप कोई सामान भेजते हो तो आप सरकारी, आपको पता ही सरकारी 2 दिन भी लगा सकता है, 6 दिन भी लगा सकता है, 10 दिन भी लगा सकता है, 15 दिन भी लगा सकता है। डिलीवरी वो करेगा लेकिन वो टाइम ले लेगा, आप कुछ नहीं कर सकते, वो सरकारी काम है। और इंटरनेट मतलब स्पीड पोस्ट कोरियर में अगर आप सरकारी भेजोगे तो आपको पैकिंग खुद से करके ले जानी पड़ेगी। ये अगर आप प्राइवेट कोरियर में लेके जाओगे तो आपको पैकिंग वो लोग खुद करके देंगे, आप सामान खोल के लेके जाओगे आपको लोग प्रॉपर पैक करके दे देंगे अपना, और आपको स्लिप काट के दे देंगे। तो दोस्तों, ये हो गया डोमेस्टिक कोरियर सर्विस, अगर आपको इंडिया टू इंडिया भेजना है। अगर आपको इंडिया से बाहर सामान भेजना है, राखी, आप राखी आने का सीजन हो चुका है, राखी आपको भेजनी है अपने भाई को, या आपकी बीवी भेजेगी अपने भाई को, मतलब ऐसे जो भी भेजेगा आपका राखी, राखी का सामान हो गया, या कोई गिफ्ट किसी को देना चाहता है, या कोई अर्जेंट डॉक्यूमेंट्स को भेजता है, इसके लिए होता है इंटरनेशनल कोरियर सर्विस, मतलब DHL, FedEx, UPS, RMX, Skynet, ये सब कुछ हमारी इंटरनेशनल कोरियर सर्विस है। सबसे बेस्ट कोरियर सर्विस होती है दोस्तों DHL। कॉस्टली पड़ती है लेकिन एकदम प्रीमियम सर्विस है, आपको कोई कंप्लेंट नहीं आनी है, थोड़ा कॉस्टली पड़ जाती है लेकिन आपको कंप्लेंट बहुत कम आएगी। अगर आपको USA, इटली, फ्रांस, रशिया और दुबई ये सब भेजना है तो आप DHL यूज़ कर सकते हैं। DHL सर्विस आपको 3 दिन में आपको इंटरनेशनल डिलीवरी मिल जाएगी। अब नोएडा से अगर आप USA भेज रहे हो तो 3 दिन में आपका माल पहुंच जाएगा, लेकिन करना क्या होगा आपको, आप कोरियर वाले के पास जाओगे, उसको खोल के पैकेट आपको लेके जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल कोरियर सर्विस कस्टम से होकर जाता है, मतलब चेकिंग वगैरह उसमें बहुत होती है। आप कोरियर वाले के पास जाओगे, अपनी ID लेके जाओगे, 2 ID आपकी लगेगी, और जिसके पास आप सामान भेज रहे हो उसकी 2 ID लगेगी, या फिर जाके कोरियर वाले को दोगे, वो माल बुक करेगा, आप सामने पैक करेगा, ID अपनी सबमिट करेगा, उसके बाद आपका माल भेज देगा। DHL, FedEx, RMX, अब भारतीय डाक जो स्पीड पोस्ट है ये इंटरनेशनल नहीं करता है, लेकिन अगर आप USA वगैरह भेजोगे तो आपका एक एक महीना डिलीवरी के लिए ले लेगा ये, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो मेरा अपना पर्सनल ये सजेशन आपको रहेगा, अगर आप कोई कोरियर सर्विस भेजते हो तो आप प्राइवेट कोरियर यूज़ करें। उसमें क्या है, आपको ट्रैकिंग मिल जाएगी, आपको फोन नंबर ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू मिल जाएंगे, लेकिन भारतीय डाक में आपको कुछ नहीं मिलेगा, बस भरोसा रहेगा कि माल मेरा पहुँच जाएगा, कब पहुँचेगा कोई वो नहीं रहेगा। ये तो थोड़ा दोस्तों हो गई बात, अब बात पैसे करते हैं। अगर आप USA वगैरह भेजते हो तो आधा किलो से रेट शुरू जाता है 2000, 2200, 2400, 2600, 2600, 3000,
ऐसे आपका रेट शुरू होता है। अगर आपको गल्फ कंट्रीज में भेजना है, दुबई, ओमान, सऊदीया, ये सब के लिए आप स्काइनेट सर्विस यूज करें, सब 500 रुपये में शुरू हो जाता है। सिंगापुर भेजना हो तो आपको लाइनेक्स शुरू हो जाता है। तो दोस्तों ये कुछ इन्फॉर्मेटिव, मैं जानता हूँ थोड़ा ये वीडियो लंबा बनेगा दोस्तों, लेकिन ये आपके काम की चीज़ है, एकदम काम की चीज़ में आपको दर्ज से आपके काम आने वाली चीज़ें। आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, लाइक भी कीजिएगा, अगर आपको जो चीज़ पसंद नहीं आएगा वो भी बताएगा दोस्तों। और अगर आपको और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए होगी तो कमेंट कीजिएगा, आपको दोबारा ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलेगी मेरे ब्लॉग से, क्योंकि हम लोग का देखो आप पूरे काम आपको दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं ये इंटरनेशनल बुकिंग्स होती हैं, USA, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, UK, जापान, UAE, न्यूजीलैंड, हांगकॉन्ग, ये सब इंटरनेशनल सर्विसेज हैं। ये सब इंटरनेशनल सर्विस आपको भेजनी होगी तो आप DHL, FedEx, AirMax ये सब यूज कर सकते हैं दोस्तों। स्पीड पोस्ट आप बहुत ही ज़्यादा रेयर केस में यूज़ कीजिएगा, वरना आपको बहुत नुकसान हो सकता है भारतीय डाक से। बस यही था ब्लॉग दोस्तों। बाकी अगर बात पैसे करेंगे तो डोमेस्टिक कोरियर सर्विस 100 रुपये 50 रुपये से शुरू हो जाता है। अगर इंडिया टू इंडिया भेज रहे हो 50 रुपये में स्टार्ट हो जाता है। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अगर आपको दोबारा ऐसी वीडियो चाहिए तो। तब तक के लिए दोस्तों चलते हैं, जय श्री राम, नमस्कार।